तुम्हें डॉक्टर मरियम के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था बेटा। She was our guest. आपकी इसी ऑनरेबल गेस्ट की वजह से मैंने पूरी रात लॉकअप में गुजारी है। तुमने पूरी रात लॉकअप में इस वजह से नहीं गुजारी, तुमने इस वजह से गुजारी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दंगा फसाद किया है, जहां डॉक्टर्स अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मत भूलो, उसी डॉक्टर मरियम ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, इसी वजह से उस रात तुम्हारी बेल हो सकी है। तुम तो हमेशा मेरे मुखालिफ की तरफदारी करनी है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मैं गलती पर नहीं था। अगर मैं उस रात शोर नहीं मचाता और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट नहीं करता, तो वो लोग भी टीना का केस एक नॉर्मल रूटीन की तरह ट्रीट कर देते। मेरे ख्याल से तुम डॉक्टर मरियम को अच्छी तरह नहीं जानते। वो अपने उसूलों की बहुत पक्की है, और खास तौर पर हॉस्पिटल के उसूलों के बारे में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, किसी की बात नहीं सुनती। और तुम्हारे मामले में तो उसने बहुत नरमी दिखाई है। शायद आइंदा वो ये रायत तुम्हारे बारे में मत करे। वेल, थैंक यू फॉर हर एडवोकेसी। क्यों नहीं कंप्लेंट वापस? चल गई। हाँ, डर गई थी। वो अपने उसूलों की बहुत पक्की है, और खासतौर पर हॉस्पिटल के उसूलों के बारे में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, किसी की बात नहीं सुनती। शेरी, कहाँ हो? शेरी, आ जाओ, खाना खाए बेटा। अच्छा जी। शेरी, देख लूंगा मैं तुम सबको, सबके दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। सर आप प्लीज मैनेजमेंट से। तुम लोग अभी तक मुझे जानते नहीं हो, है बतखान नाम है हमारा। वो ये अस्पताल है या चिड़िया कर रही है? सर आप देखें, आपका जो भी मसला है। क्या देखिए, अजब गप खाते हैं। और देखो हम तुमको शोर यार, तुम ये एक उसने बात सुनी। क्या हुआ? यहाँ एक हवलदारनी जो सीधे हवालात पहुंचाकर दम लेती है, अगर रात जेल में नहीं गुजारनी ना, पीछे पड़े सोफे पे जाके आराम से बैठ जाए। यार कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है यार। वो कुछ नहीं होगा, बैठ चले आए। तुम बोलते तो बैठ जाते। पानी वानी पूछा? थैंक यू सर। जी जी, अब तो बिल्कुल ठीक है जी। ओके बाय। सैम, कैन यू हेल्प? यस। लगा तो नहीं? नहीं, थैंक यू। सैम, तुम्हें नहीं लगता कि आर्यन की एक अपॉलॉजी तो बनती है? वो जल्लाद आर्यन, और माफी भूल जाओ,
वैसे तुम लोगों का ये दोस्त कुछ ज्यादा ही वाइल्ड नहीं है, जंगल से भागा हुआ टाइप्स? अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, जस्ट टेक केयर, फिट हो जाओगी, ठीक है? कैसे कैसे लोगों को डिग्री दे देते हैं मेडिकल वाले। Unbelievable. Wild, हाँ, आर्यन। Ouch! क्या कर रहे हो? क्या? दर्द हो रहा है? I'm kidding. How are you? हाँ, I'm good. अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने और सैम ने ना एक गेट टुगेदर प्लान किया है, प्लीज कहीं गायब मत होना यार तुम। किस खुशी में? Obviously, टीना के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में डफर। अच्छा, और कौन आएगा इस खामखा की पार्टी में, ये भी बताओ। ओफो, ये तो तुम बहुत सवाल पूछते हो आर्यन। हमारे दोस्त होंगे ना, और कौन होगा? और हाँ, मैंने ना डॉक्टर मरियम और डॉक्टर महलब को भी इनवाइट किया है, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा ना यहाँ पे। यार मुझे माफ रखो इन चौंचलों से, फजूल की एक्टिविटी। देखा देखा, मैंने कहा था ये जरूर रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा। ओह हेलो, मेरी बात सुनो, अगर तुम गेट टुगेदर में नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार टीना, तुम लोगों को मजीद सबूत देने की जरूरत नहीं है, बिना वजह के लव बर्ड्स बने हुए। ये उल्लू, ये लगता है तुम्हें छोड़कर जाएगा। क्या हो गया है? अच्छा उल्लू, बुलाओ डॉक्टर मरियम को। डॉक्टर मरियम, डॉक्टर मरियम। माय गॉड, आई कांट बिलीव उसने उस आदमी से ऐसा कहा। हाँ सेम, और मैं पीछे खड़ी थी यार, चुप करके से देख रही थी, मैं कुछ बोल नहीं सकी। एंड आई कांट टेल यू मैंने अपनी हंसी किस तरह कंट्रोल की। आई कैन इमेजिन। वैसे डॉक्टर मरियम, आपने सही रोप डाला है उस पे, अब वो किसी हॉस्पिटल में तो हंगामा नहीं करेगा। प्लीज, कोई रोप शो वाला लड़का नहीं है वो। पता है ऑनेस्टली, लाइक जेन्युइनली मैं सोच रही थी कि मतलब शायद वो बचपन में बहुत डिसिप्लिन रहा और इसी वजह से अब वो जहाँ भी जाता है उसको वहाँ के रूल्स से प्रॉब्लम है, एंड ही वांट्स टू जस्ट ब्रेक देम। शायद कोई बहुत डीप डाउन फ्रस्ट्रेशन हो, यू नो, कोई रिबेलियसनेस, और कुछ नहीं। अक्सर होता है ऐसा, यू माइट बी राइट, है ना? I was also thinking ke maybe he just needs a mentor. Shayad koi aisa jo use guide kar sake, samjha sake. Isse bahut cute lag raha tha jab wo unhe samjha raha tha ki kya karna hai. Acha, kitna cute lag raha tha. I think तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। Are you silly? पागल तो नहीं हो गई? शेरी की एज का है वो। शेरी की एज का तो क्या हुआ? छोटा ही है। It doesn't matter anymore. Really? And that's also fine जो मेरे साथ हुआ। मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों का। मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और मेरा सारा फोकस सिर्फ मेरे काम पे है और इस पे के शेरी जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। That's about it. मरियम, don't be silly. एक गलत आदमी की वजह से तुम अपनी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और तुम जानती हो कि उसके दोस्तों ने क्या कहा? He's a good person. उसने अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। Think about it. ये तुम्हारी फाइल्स हैं, ये मेरी फाइल्स हैं। I'll see you at lunch. Okay, I'm borrowing your pen. Bye.